तो अपन ने अब न्यूट्रल चारकोल पेंसिल ली अपनी, और यहाँ पे अब ऐसे एक लाइन थी जो ढंग की नहीं लग रही, तो यहाँ पे क्या करो, ऐसे हल्के हल्के न्यूट्रल से, बहुत ज्यादा डार्क नहीं, ठीक है, बहुत लंबे भी नहीं कि चेहरे तक आ रहे, हल्के हल्के ऐसे थोड़े कर्व में रेफरेंस में देखो, थोड़े थोड़े यहाँ पे ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ऐसे सर्कुलर में दिख रहे होंगे बाल, तो उन्हें बनाओ। तो पहले मुझे देख लो मैं किस तरीके से यहाँ निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी शेडो भी आनी है। शेडो में तुम देख सकते हो सारे एकदम डार्क नहीं, कुछ लाइट है, वो लाइट वाले जो है वो अपनी मैकेनिकल पेंसिल से आएंगे, और जो हल्का हल्का शेड दिख रहा है वो मैकेनिकल या 2B पेंसिल से होगा। तो यहाँ पे जो एक आध दो ऐसे भागते हुए नीचे की तरफ दिख रहे हैं थोड़े, ये इधर की तरफ है, ठीक है, इन्हें ब्लेंड नहीं करना है, इन्हें बस ऐसे बना लो इस तरीके से, ये बना रख लिया। अपनी वो मैकेनिकल इरेजर लो, वो नजीरो। तो पहले मुझे देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो छोड़े थे हल्के हल्के, तो इसे थोड़ा प्रेशर के साथ ऐसे करना कि एक बार में पूरा इरेज हो गया, यहाँ से गया इरेज हो गया, फिर इसके ऊपर वाले पार्ट में आए, एक दो तीन इस तरीके से, यहाँ आए तो एक ये गया, यहाँ आए एक बाहर की तरफ गया, तो वो मोटे मोटे नहीं करना, बहुत एक पतले पतले रखो, ठीक है। फिर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, अब ऐसा नहीं कि जरूरी कि सब एक ही डायरेक्शन में ऐसे, यहाँ पे है ये, यहाँ पे अपन ने जो बीच में हल्के हल्के छोड़े थे उधर उधर पे करना है, जैसे पीछे की तरफ है, अब जरूरी नहीं है इनमें क्योंकि अपन को बाल बिखरे हुए से हैं, तो बाल एक आध दो बाल एक दूसरे में ऐसे नीचे की तरफ आ गए, एक ऐसे रेज हो रहा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ गया, फिर ये इधर ऊपर की तरफ भाग रहा है, थोड़े यहाँ पीछे क्रिस क्रॉस में आ गए, थोड़े रैंडम से भी आ सकते हैं दो चार, लेकिन कुछ को ऐसे शेप में रखो जिनमें के लिए अपन ने ऐसे हाईलाइट छोड़ा था, इनके लिए हाईलाइट छोड़े थे अपन ने, यहाँ पे ऐसे कर्व में छोड़ा था, प्रेशर के साथ चलाओगे इरेजर तो एक ही बार में इरेज हो जाएंगे। पहले मुझे देख लो, थोड़े ऊपर ऊपर भी आएंगे इधर इधर, ठीक है, ऐसे रैंडमली फटते हुए थोड़े इस तरीके से, अपन ने एक जो सिस्टमैटिक जो अपन ने छोड़े थे वो बनाने हैं। तो अब वो जो रैंडम से बाल जा रहे हैं ना एक आध दो, पेंसिल कह रहा है इरेजर को थोड़ा शार्प रखना, और एक बार में इरेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसे रिपीट करने जा रहा है, ये आया बाल नीचे, ठीक है, एक आध यहाँ आ गया, फिर यहाँ उल्टे रैंडम से जा रहे हैं बाल, ये ऊपर की तरफ एक बाल भाग रहा, ये नीचे देख सकते हो यहाँ एक भाग रहा है ऐसे बाल, थोड़े रैंडम पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ देखो, ठीक है, ऊपर से ऐसे एकदम नीचे आते हुए, ऐसे क्रिस क्रॉस नहीं करना, ठीक है, नीचे से नीचे की तरफ आते हुए यहाँ पीछे की तरफ उल्टे जाते हुए भी आ सकते हैं, बीच में कर्व आते हुए, रेफरेंस में देखो, रेफरेंस में जितने समझ में आ रहे हैं उतने बनाओ, ओके, थोड़े अपने मन से भी बना सकते हो, बस वो मन से जो बनाओ वो ऑड नहीं लगने चाहिए, ये थोड़े पीछे की तरफ आ गए, यहाँ पे एक दूसरे को कट करते हुए आ गए, ओके, इस तरीके से। अब हल्के हल्के थोड़े यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ दिख नहीं रहे भले ही अपन को रेफरेंस में, लेकिन हल्के हल्के, ठीक है, जैसे इतने डार्क नहीं करने की जरूरत, पेंसिल को थोड़ा, पेंसिल का इरेजर को थोड़ा पीछे पकड़ लो, और जिस डायरेक्शन में शेड करा उस डायरेक्शन में ऐसे दो चार यहाँ पे कुछ, यहाँ पे थोड़े नीचे आते हुए इस डायरेक्शन में, थोड़े पीछे जाते हुए इसमें बना लो, ओके, यहाँ पे भी थोड़े बना लो, इरेज कर लो इतने पोर्शन में, बहुत एकदम मत करना कि पूरा इरेज कर दिया हो, जो अपन ने इतनी मेहनत से फिर जो डेप्थ दी है वो तो गायब हो जाएगी, तो थोड़े कर्व है अपने हिसाब से भी करो, थोड़ा इस तरीके से थोड़े और हाईलाइट्स आ गए तो ये अच्छे लग रहे, इतना करो पहले। तो अब 2B पेंसिल लेना है, ठीक है, 4B वगैरह मत ले लेना, डार्क कलर हो जाएगी मतलब। तो अब अपन को जो शेडो दिख रही है, जैसे यहाँ पे देखो रेफरेंस में क्या है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे जा रहे हैं, तो जो पतले पतले बाल हैं वो अपन अपनी मैकेनिकल से बनाएंगे, लेकिन जो मोटा मोटा एरिया है वो अपन अपन अपनी 2B पेंसिल से करेंगे। तो आओ साथ में नहीं बनाना, चलो देखो इधर, तो यहाँ पे हल्का हल्का शेड करते हुए शेप दो, और सर्कुलर शेडिंग से मतलब स्मूथली शेड कर लो, ठीक है, जैसा शेप दिख रहा है रेफरेंस में, यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ आते हुए, ऊपर ऊपर मत ले जाना, शेडिंग खराब हो सकती है,
यहाँ पे इसकी पूरी एक आउटलाइनिंग सी आ रही है यहाँ पे थोड़ा और नीचे आते हुए, ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ा डार्क है, तो यहाँ पे अपन एक और लेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पहले इसे ब्लेंड कर लेते हैं, ब्लेंड ब्रश से करना, ब्रश ऊपर चारकोल वाले पोर्शन में नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे सर्कुलर चलाना, ठीक है, शेप मेंटेन करके रखना यहाँ पे इस तरीके से, चारकोल वाले एरिया से दूर रखना, ठीक है। अब इसके बाद अपन को अब जरूरी है मैकेनिकल पेंसिल, तो मैकेनिकल पेंसिल से आप देखो एक ही स्ट्रोक जो है वो ध्यान से लगाना है, क्योंकि ऐसे में ऑड लगेगा, ठीक है। मैकेनिकल पेंसिल से जब स्ट्रोक्स दे दोगे तो अब अच्छा लगेगा, तो यहाँ से देखो कि एक पहले तो इसे थोड़ा कम कर लो ताकि स्ट्रोक्स जो है थोड़े डार्क आए, इसमें अपन को डार्क स्ट्रोक्स चाहिए, ऐसा नहीं कि लाइट स्ट्रोक्स जो आ रहे हैं, क्योंकि अपन चारकोल पेंसिल की कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो शेडो चारकोल पेंसिल से जो है उतनी डार्क आती है, बहुत डार्क आती है, लेकिन इससे नहीं आएगी, तो अपन पेंसिल पे थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो थोड़े देखो रैंडम डायरेक्शन में जरूर जा रहे हैं, ठीक है। और मैकेनिकल से जैसे बहुत लाइट बन रहे हैं अभी, उन्हें बनाओ, उसके बाद जो डार्क दिख रहे हैं वो अपन 8B या 10B से करेंगे, जो दो चार यहाँ डार्क दिख रहे हैं वो 8B या 10B से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं थोड़े, यहाँ पे देख सकते हो नीचे शेडो दिख रही है चेहरे पे, इसे यहाँ पे ढेर सारे कर्व दिख रहे हैं अपन को, तो वो शेडो जो है वो इससे ही आई, तो यहाँ पे डार्क है शेडेड पोर्शन में, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें क्या है, उसमें से थोड़े लाइट हो गए यहाँ पे, इस तरीके से बना लो। जो पहले मुझे देखो जैसे नीचे की तरफ थोड़े कर्व होते हुए गए, इधर उधर भाग रहे हैं थोड़े रैंडम से, ये छोटे हो गए पीछे से आते हुए, ये ऊपर वाले ऊपर की जो शेडो आ रही ना ये उसका है साथ, यहाँ पे अब जो थोड़ा डार्क था वो डार्क पोर्शन इससे शेड करो मैकेनिकल से, ताकि वो अच्छे से दिखे। इसके ऊपर हल्का हल्का अपन ग्रेफाइट जो ब्रश था वो चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि और डार्क दिखे अपन को, यहाँ पे इस तरीके से बहुत भरना नहीं है, ठीक है। ये वाला पोर्शन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भर दिया हो, ओके। इतना करने के बाद अब अपन अपनी क्या 8B पेंसिल लेंगे, 6B या 10B, थोड़ी डार्क चाहिए, अगर 10B लग रहा है बहुत डार्क हो रही है स्केच के हिसाब से, तो लाइट पेंसिल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 8B यूज करता हूँ, तो देखो 8B पेंसिल ली मैंने, अब यहाँ पे देखो चार पांच जो ऐसे कर्व होते हुए, एक यहाँ की तरफ आया, एक यहाँ की तरफ आया, थोड़ा पीछे की तरफ चला गया, यहाँ से दो चार आते हुए, ठीक है, फिर एक यहाँ से आते हुए यहाँ आया नीचे की तरफ ऐसे रैंडम सा, ये गया इस तरीके से जो आए। अब ये वाला पोर्शन मैंने क्या बोला था, थोड़ा चारकोल पेंसिल से करने की कोशिश करते हैं, ग्रेफाइट के ऊपर तो चल नहीं रही है, हल्का सा इस पर ब्रश चला लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन को जो चेहरे के ना हेयर्स के नीचे जो थोड़ी शेडो चाहिए थी वो भी मिल गई है, तो इस तरीके से बनाते हैं अपन। अब आईब्रोज करने के लिए तो पहले एक खाली पेन लो, ताकि अपन वो जो हिस्सा है जहाँ पे जो हल्के हल्के बाल है, जैसे इसमें देखो इसमें एक आधा ऐसे बीच में जा रहा है, ठीक है, ये बाकी के जो है वो थोड़े पीछे की तरफ से है, पीछे की तरफ का है, फिर यहाँ पे दो चार ऐसे स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ है, फिर बाकी जो है यहाँ पे बीच में है पीछे की तरफ जाते हुए, ठीक है, एक दूसरे में थोड़े क्रॉस होते हुए, अभी इसमें दिखेगा नहीं कैमरे में, लेकिन अभी जब अपन शेड करते हैं तो इस पे आ जाओ, डायरेक्ट सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज करना वाली, तो ऐसे नहीं कि यहाँ पीछे करना स्टार्ट करते हैं, थोड़े आगे की तरफ भी जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आगे से आएंगे, रेफरेंस में देखो रेफरेंस में से थोड़े आगे की तरफ से कर्व होते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है ये, ठीक है, थोड़े जो अपन ने रैंडम रैंडम बनाए थे। अब एक बार जब ब्लेंडिंग करते समय एक बार ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ब्लेंड नहीं करनी है अपन, क्योंकि क्या है इनका जो चारकोल है वो चेहरे की तरफ फैल सकता है, फिर वो अपना स्केच खराब कर देगा। इसमें ध्यान से देखो तो अभी से पीछे जाते हुए नहीं, पीछे से आगे आते हुए भी देखो, ठीक है, पहले देख लो यहाँ पे हुआ, अब यहाँ से थोड़े पीछे जाने स्टार्ट हो गए, ऐसे थोड़े लंबे लंबे,
ठीक है, यहाँ से आप पीछे की तरफ आने लगेंगे और नीचे की तरफ ऐसे, ऐसे नहीं कि एक जगह पर रुक रहे हैं, इसमें देख सकते हैं ऐसे बाहर की तरफ थोड़े फैले से छूट रहे हैं, बस ये यहाँ छूट गया, ठीक है, यहाँ से जो बाल आ रहे थे उनके साथ ये ऐसे छूट गया, ठीक है। अब ये थोड़े पीछे से आगे आते हुए, मतलब इस डायरेक्शन में आते हुए, थोड़ा इस तरीके से थोड़ा मिक्स मीडिया टाइप रहेगा, ओके ये बनाया। इसके बाद देखो यहाँ पे, यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि बाहर की तरफ स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर जाने स्टार्ट हो जाएंगे और एंड में थोड़े पीछे, यहाँ पे ऐसे थोड़े ऊपर गए, अब यहाँ पे थोड़े पीछे आ जाएंगे, बाहर की तरफ नहीं निकलने चाहिए ये, ठीक है, सर के बाल नहीं है जो थोड़े बाहर की तरफ निकले हुए से दिखेंगे अपन, तो ये अपना पोर्शन ऐसे हो जाता है। यहाँ पे एक चीज और करना, अपन ने लेफ्ट आई राइट आई में से थोड़े आई लैशेस हल्के हल्के मैकेनिकल पेंसिल से बाहर की तरफ ऐसे निकलते हुए बना हल्के, ओके हल्का हल्का यहाँ पे हो जाता है। अब इन्हें ब्लेंड करना, ब्लेंड करने के लिए ब्रश ऐसे खींचना नहीं है, बहुत आराम से रखो, ठीक है, पहले तो बेस पे रखो, बेस है ना इसका, इसे ब्लेंड करो और कंटिन्यूसली फूक मारते रहना, क्योंकि क्या है बहुत सारे चारकोल इकट्ठा हो गया अगर एक ही जगह पे वो फैल सकता है। देखो मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, यहाँ पे अपन को जो हल्के हल्के बाल चाहिए थे वो अपन को पता है अब कहाँ पे है, तो अपन अब अपनी आराम से मोनो जीरो इरेजर की मदद से, ठीक है, उन बालों को थोड़ा और ऐसे ब्राइट बना सकते हैं, थोड़े थोड़े यहाँ पे जो अपन ने बनाए थे उस एरिया में इरेजर चला लो, जैसे ये जा रहा ये बना दिए, थोड़े यहाँ पे बना दिए, इस तरीके से अपने आईब्राउज हो जाते हैं, बाहर की तरफ ग्रेफाइट एक्स्ट्रा फैल रहा है, ठीक है, ये भी इरेज कर लो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से अपने आईब्रोज भी बन जाते हैं।